वंदे तो सव सिद्धे ध्रुव मचल मणोवम गतिम पते वोक्षामि समय पाहुड़ मोसुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा ये जो भव्य आयोजन हम और आपके पुण्य योग से हो रहा है, और इस पूरी शिविर में जो चर्चा चलने वाली है वह समय सार के आश्रय से चलने वाली है। समय सार के बारे में क्या कहें, कितना कहें, समय सार के संदर्भों में यदि हम इतिहास उठा के देखते हैं तो इस ग्रंथ को इतना गौरव प्राप्त है, इतना गौरव प्राप्त है कि इसके जो कर्ता हैं उनको हम प्रतिदिन मंगलाचरण के तौर पर तीसरे नंबर पर, तीसरा माने सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर, और फिर उनकी दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गौतम गणधर, और उसके बाद कुंद कुंद आचार्य। ये वो समर्थ आचार्य हैं जिनके लेखनी के कारण आज पूरे विश्व में अध्यात्म की चर्चा यदि किसी के आश्रय से की जाती है तो इन कुंद कुंद आचार्य भगवान के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के आश्रय से की जाती है। समय सार, इसके कितने गीत गाए जाएं, इसकी कितनी महिमा बताई जाए, आप ये समझ लीजिए, पंडित टोडरमल जी साहब अध्यात्म के रसिया विद्वान हैं। गौमट सार, कर्म कांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपना सार, न जाने कितने ग्रंथों की उन्होंने टीकाएं की हैं। बहुत विशिष्ट पांडित्य उनके पास था। वे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये लिखते हैं कि भैया तुम्हें यदि अध्यात्म देखना हो तो समय सार की आत्मख्याति में देखो। 100-150 साल पहले श्रीमत जी हुए, उनको किसी ने ये समय सार ग्रंथ लाकर हाथों में दिया तो उन्होंने मुट्ठी भर रत्न पकड़ा दिए कि ये अद्भुत शास्त्र है। पूज्य गुरुदेव श्री को जब यह शास्त्र प्राप्त हुआ, उन्होंने पढ़ा तो उनके मुख से एक ही उद्गार निकला, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे। ये तो अशरीरी होने के लिए शास्त्र है। आप ये सोच लीजिए कि हमारा कितना सौभाग्य होगा कि अनेकानेक सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यह समय सार दर्शन करने के लिए मिल रहा है। न केवल दर्शन करने के लिए मिल रहा है अपितु पढ़ने और सुनने के लिए मिल रहा है, न केवल पढ़ने सुनने के लिए मिल रहा है अपितु समझने के लिए मिल रहा है। और इस समय सार के सार को यदि हमने समझ लिया तो गारंटी है हम सिद्ध शिलातक की यात्रा बड़ी आरामदेह परिस्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि धर्म का जो मूल है दर्शन वह शुद्धात्मानुभूति से ही होता है, और पूरे समय सार का केंद्र बिंदु ही शुद्धात्मानुभूति है एक ज्ञायक परमार्थ से। देखिए, अपनी चर्चा का जो विषय है वो बंध अधिकार है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बंध अधिकार आपको बंधन में डालने के लिए नहीं है, बंधन से निर्बंध करने के लिए है। इस बंध अधिकार में आचार्य भगवान ने उन रहस्यों को हमारे सामने रखा है जिन रहस्यों से हम अनादि काल से अपरिचित हैं, हमें पता ही नहीं है ये बंध हो क्यों रहा है। और जब हमें ये नहीं पता है कि बंध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो बंध से छूटने के हम जितने भी उपाय करते हैं वे सारे उपाय निष्फल हो जाते हैं,
वे सारे उपाय निरर्थक हो जाते हैं। हम बंध से छूटने का क्या उपाय करते हैं? अनादि काल से हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ में ये लिखा है कि मैंने इतनी बार दीक्षाएं अंगीकार की हैं, यदि वे पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाए। मैं सिर्फ काल की परिमाण की दृष्टि से यह बात आपको याद दिला रहा हूं। तो ऐसा क्या रहा जो मुझसे नहीं हो पाया? श्रीमद जी ने एकमात्र हिंदी भजन लिखा है, कविता। यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग विराग अथाह लहयो। उन्होंने पूरी लिस्ट बताई, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाय लियो, सब काम किए और भी उन्होंने लिखा कछु और रहो इन साधन से। वो छूट गया। अब वो क्या छूट गया उसकी चर्चा समझ लीजिए यहां पर की जा रही है। जो छूट गया है हम उसकी चर्चा करके उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। बंध अधिकार है और 262 नंबर की गाथा है। ये गाथा ही लेने का प्रयोजन ये है क्योंकि यूं तो बहुत विस्तार है बंध का, हम कितना विस्तार करें। आगम की दृष्टि से बंध का एक अलग विस्तार है। प्रकृति बंध है, प्रदेश बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, इन सब की अवस्थाएं हैं कर्मों की। बंध सत्व उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण निदत्ति निकाचित, बहुत एक अलग टाइप का विस्तार है। लेकिन कुनकुंद आचार्य को तो अध्यात्म प्रिय है ना, तो वे आपको शब्द जाल में नहीं उलझाना चाहते हैं, वे आपको ऐसी खाई में नहीं डालना चाहते हैं जिसमें आप गुणा भाग करते रह जाएं और हाथ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यद्यपि वो सारा का सारा विषय जिनवाणी का है, आगम का है, समझने जैसा है, उसको समझा हुआ जान करके अब ये निरूपण करना प्रारंभ कर रहे हैं कि आप तो असली बात पे बात करो। तो ये बंध अधिकार है और इस बंध अधिकार में कर्म सिद्धांत की बात चलेगी। तो सबसे पहले तो कर्म शब्द का मतलब क्या होता है आप ये समझ लो। गाथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूं किस मुद्दे पे अपनी बात होने वाली है। कर्म क्या है? दुनिया में कर्म लगभग लगभग जितने भी भारतीय दर्शन हैं उन सब ने इस शब्द का उपयोग किया है। सारे भारतीय दर्शनों ने इस शब्द का भरपूर उपयोग किया है और अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में है। सबसे समझो विशाल प्रचलित अर्थों में यदि देखा जाए तो गीता में इसका उपयोग किया है कर्म का, और बहुत गौरव के साथ वो लोग पढ़ते हैं सुनते सुनाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुपदाचना, कि भाई कर्म किए जा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो वहां कर्म शब्द का अर्थ जो है वो एक्टिविटी है, वो गतिविधि है, क्रियाएं हैं, तुम तो किए जाओ किए जाओ किए जाओ। यहां जैन दर्शन की दृष्टि से यदि हम कर्म शब्द तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें शुरू से शुरू करना होगा। कहां से? कि ये जो शरीर की प्राप्ति हुई है इसमें हेतु कौन है? इस शरीर का जो आकार प्रकार है इसमें कारण कौन है? ये जो मेरे आसपास संयोग है इसमें कारण कौन है? ये जो मेरे आत्मा में क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति आदि के जो विकार उत्पन्न होते हैं उनमें हेतु कौन है? तो ऐसे अलग अलग कह करके हम आपको एक ही जगह ले जाना चाहते हैं और उसका नाम है कर्म। देखो तो कर्म जो है ना उनके भी भेद करेंगे। कुछ को हम द्रव्य कर्म कहेंगे, कुछ को भाव कर्म कहेंगे, कुछ को नो कर्म कहेंगे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुनकुंद आचार्य जिस एंगल और जिस दृष्टि से वस्तु स्वरूप समझाना चाह रहे हैं वे ये सब चीजें नहीं समझाने के मूड में हैं। उन्हें ये लग रहा है ये सब तो आपका समझा हुआ है, ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। अब वे तो सीधा शुद्धात्मा परोसना चाहते हैं ना, तो शुद्धात्मा को परोसने के लिए मैं सीधी गाथा शुरू करूं, उससे पहले ये चर्चा की है। देखो इसमें जो गहराई से समझने वाली बात है वो यही है कि ये पूरे विश्व को हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं।
चर्म चक्षुओं से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, और आंखों की अपनी सीमाएं हैं, थोड़ा बहुत कानों से सुनते हैं, थोड़ा बहुत छू के जानते हैं, थोड़ा बहुत चख के जानते हैं, इस पूरे विश्व के बारे में बात कर रहा हूं, इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन इंद्रियों की बहुत लिमिट है, बहुत सीमाएं हैं, ये जगत बहुत सूक्ष्म है और हम बहुत स्थूल जानते हैं। इसलिए कभी कभी तो क्या होता है, जैन दर्शन के सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ वीतरागी तत्व का निरूपण चलता है तो सामान्य जीव को ऐसा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यदि हम आपको कर्मों की संख्या, कर्मों की बंधने की प्रक्रिया, कर्मों की वो सारी दशाएं बताने लग जाएं तो कभी कभी कहोगे ऐसा होगा भी क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सोचने की सामर्थ्य बहुत कम है। इसको हम अमेरिका में क्या कहते हैं पता नहीं, हिंदुस्तान में तो कहते हैं हम और आप सब कुएं के मेंढक हैं। कुएं के मेंढक का मतलब समझते, एक कुएं का मेंढक था, वो मछली से मिला, बातचीत की, तो मछली ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, बोले मैं कुआं में रहता हूं। इस मेंढक ने मछली से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, कि मैं समुद्र में रहती हूँ। मछली ने पूछा कि कुआं कितना बड़ा है, समुद्र पे तो ये खड़ा ही था, कुआं कितना बड़ा है, तो बोला बहुत बड़ा है, तो नहीं सॉरी, मछली से पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है, तो मछली ने कहा कि बहुत बड़ा है, तो मेंढक बोलता है इतना बड़ा, ऐसे हाथ फैला के बोलता है कि नहीं नहीं हाथों में थोड़ी आएगा, हाथ इतना बड़ा नहीं, तो उसने अपने पैर भी फैला लिए, दोनों पैर और दोनों हाथ ऐसे कर लिए, अब मैं कर नहीं रहा हूं, आप समझ गए ऐसे, तो बोले इतना बड़ा है, तो मछली कहती है कि नहीं इतना बड़ा नहीं है, तो पता है चल झूठ बोलती है तू, इससे बड़ा कुछ होता है क्या? क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उस कुएं से बाहर कुछ देखा ही नहीं। तो जब हम कर्म परमाणुओं की, कर्म रचनाओं की, कर्म की प्रकृति, प्रदेश आदि, बंधों की स्थिति, अनुभाग की, इन सब की चर्चाएं करते हैं, यदि आपकी सामान्य बुद्धि इसके लिए तैयार नहीं हुई तो आप जैन दर्शन के रहस्यों को नहीं समझ सकते हैं। बस जय जय नाथ परम गुरु हो, दो मुट्ठी चावल इधर का उधर चढ़ाना और समझना मैंने धर्म कर लिया। रहस्यों में घुसना है तो आपको थोड़ा सा जागृत अवस्था में इन मुख्य विषयों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। देखो मैं आपको 2-5 मिनट में और एक इसको सुगम करने के कोशिश करता हूं। इतना तो हमें पता है कि विश्व किसे कहते हैं। मैं सिर्फ एक डेढ़ मिनट भी नहीं होगा, थोड़ी सी देर की क्लिपिंग है, सिर्फ हमने जूम आउट किया है और ये सिर्फ कैमरे से किया है, तो कैमरे की कैपेसिटी जब इतनी और इस स्तर की है तो हम जिस सर्वज्ञ की बात करने जा रहे हैं, जिस केवल ज्ञान की बात करने जा रहे हैं, जिन आचार्य भगवानों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों का निरूपण करने जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी इससे कई गुनी अलग है। आप सिर्फ एक मिनट इसको देख लीजिए कि ये क्या है। ये वो दृश्य हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये चर्म चक्षुओं का विषय है, ये नेत्र इंद्रिय का विषय है, और आजकल के विज्ञान में खूब पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे हाँ हाँ ऐसी दुनिया है, इतनी गैलेक्सी है और इतना ये है, इतना ये है, वो सारी रामायण उनके पास है। अभी 3 लोक का वर्णन नहीं हुआ है, ये तो मध्य लोक के ही किसी एक भाग को हम जूम इन और जूम आउट करके दिखा रहे हैं, बस हमने वापस चलना शुरू कर दिया है। जब मध्य लोक का इतना सा हिस्सा, इतना विशाल हमें लग रहा है, तो वास्तव में 3 लोक का
वो कितना विशाल वैभव होगा। और ये तो हमने बाहर से देखा, अब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, नेत्र के अंदर क्या है, ये है, और उसके अंदर क्या है, तो बोले ये है, और उसके अंदर क्या है, तो बोले ये है, और उसके अंदर क्या है, और क्या है अंदर, और क्या है। अब कुएं के मेंढक सोच रहे होंगे, अच्छा इतना अंदर भी होता है क्या, हम तो रेटिना तक पहुंचे बस कहानी खत्म हो गई। बोलो अरे वापस आया। अब जो मध्य लोक का एक छोटा सा हिस्सा जब हमने बताया आपको, वो इतना विशाल है और उसकी इतनी सामर्थ्य है, तो फिर अन्य सूक्ष्मता और स्थूलता कितनी विशाल हो सकती है। इसलिए अब जो चर्चाएं करने जाएंगे उसमें अपनी कूप मंडूक वाली बुद्धि नहीं लगाना, अरे ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्या होगा। कर्म के परमाणु अति सूक्ष्म परमाणु है, अति सूक्ष्म परमाणु। और जब जब आप जैसे जैसे जो भाव करते हैं, उन भावों का निमित्त पाकर के वे कर्म के परमाणु आपसे बंध जाते हैं। फिर जब बंधन को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर वे उदय में आते हैं, और उदय में जब आते हैं तो नाना प्रकार की अवस्थाएं देखते हैं। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आप ये दो तीन चीजों पर चर्चाएं हम और कर लेते हैं, तो आपको तुरंत वो चीज ख्याल में आ जाएगी जहां तक अपन जाना चाहते हैं। मुद्दा मत भूल जाना, बंध अधिकार चल रहा है और हमको मूलभूत उसी की चर्चा करनी है। देखो, यदि सबसे पहले मैं यदि कुछ समझना चाहता हूं तो ये है, ये मेरी वास्तविक स्थिति है, मैं आत्मा हूं शब्दों में, और इसमें अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अग्रु लघुत्व है, प्रदेशत्व है। हो सकता है किसी किसी को इन शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आए, आप घबराना नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, शौच है, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है, इनमें से एक आध भी शब्द समझ में आ जाए तो इसी टाइप के अनंत गुण आत्मा में है और मैं अनंत गुण वाला आत्मा हूं। एक तो ये मेरी असली बात, असली सत्ता, जिस तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसकी अनुभूति यदि हो जाए तो समझ लीजिए हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत हो सकती है। दूसरी जो परिस्थिति है वो ये है जिससे हम परिचित हैं। पहली वाली स्थिति से परिचित नहीं है, हम दूसरी वाली परिस्थिति से परिचित हैं। और हम भाई मोर में जाके इसको डिजेबल कर सकते हैं, अननोट को, उसमें आएगा एक ऑप्शन, आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप लोग देखते रहो, आपकी परीक्षा है। हम जो दिखाना चाहते हैं वो ही देखना, जो नहीं दिखाना चाहते हैं वो मत देखना, ठीक है। तो जिससे हम परिचित हैं वो ये है, किससे, मिथ्यात्व से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, हास्य से, रति से, अरति से, शोक से, भय से, जुगुप्सा से, स्त्रीवेद से, पुरुषवेद से, नपुंसक वेद से, बराबर है। ये सब क्या है, इन सब का एक नाम है भाव कर्म, इन सब का एक नाम। यानी चैतन्य में, आत्मा में जितने भी प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं वो बहुत हो सकते हैं, असंख्यात भेद कहे हैं शास्त्रों में, तो उसके मोटे तौर पर हमने यहाँ पर कुछ नाम आपको गिना दिए हैं। जैसे चार कषायें, ये क्या है, ये भाव कर्म है, क्रोध मान माया लोभ, चार के चार और भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, तो ये 16 प्रकार की हो गई। फिर हास्य, रति, अरति, ये 9 कषाय है। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार हैं उन सब का एक नाम है, क्या नाम है उन सब का, भाव कर्म। दूसरा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, इनका क्या नाम है, इन सब का एक नाम है द्रव्य कर्म।
दो कर्मों से अपन परिचित हो गए, जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव कर्म, और उन भावों में जो निमित्त हैं वे द्रव्य कर्म हैं। द्रव्य कर्म मटेरियलिस्टिक हैं, द्रव्य कर्म पुद्गल के परमाणु हैं, वो भले ही बहुत सूक्ष्म हैं लेकिन उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है द्रव्य कर्मों में। भाव कर्मों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, भाव कर्मों में वे सविकारी चैतन्य परिणाम हैं, हैं आत्मा के, उत्पन्न आत्मा में हुए हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, इतना जानना। तो उनको हमने यहां पर भाव कर्म कहा। और ये जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी और फिर इनके सबके भेद हैं, उन सबको द्रव्य कर्म कहा। एक और है जिससे हम खूब परिचित हैं, शरीर है, परिवार है, कुटुंब है, रिश्तेदार है, नातेदार है, घर है, दुकान है, सोना चांदी, हीरा, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़े, अब आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जिसके निमित्त से आपको मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, कोई भी विकार उत्पन्न हो आता है, उन सब का एक नाम है नो कर्म। आगे नो लिखा है, नो माने नहीं, नहीं माने हिंदी में नो का अर्थ होता है थोड़े से, किंचित कर्म, ईसत शब्द अर्थ है इसका। थोड़े कर्म माने ये कर्म बंधन में कारण है। जैसे जो नाम रख रहे हैं अपन चीजों के, इससे सरलता हो जाएगी। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये क्या है, कर्मों के अगर तीन भाग करेंगे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, तो मोबाइल किसमें आएगा, नो कर्मों में। क्यों आएगा, क्योंकि ये खुद कर्म नहीं है, ना ये द्रव्य कर्म है ना ये भाव कर्म है, लेकिन ये भाव कर्मों को होने में निमित्त है, कर्म बांधने में ये निमित्त है, इसलिए इसको नो कर्म के खाते में डाल दिया गया है। तो जो जो पदार्थ, जो जो वस्तुएं, जो जो चीजें मोह राग द्वेष में निमित्त हैं, वे सब नो कर्म के खाते में आती हैं। इस तरह से तीन प्रकार के कर्मों की अपन ने जो है ना मुख्य रूप से चर्चा की। तो विपिन जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं अतुल भाई? विपिन जी एक मिनट है, यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही दूसरे स्पीकर में, तो एक मिनट। ओके ओके, तब तक समझ लो जितना समझाया है जी, राइट। हाँ विपिन जी, अभी चालू कर दीजिए। कहाँ थे, कर्मों के आसपास। हमने पूरी दुनिया को, छह द्रव्यों को, सात तत्वों को, इस विश्व में जो कुछ भी है उस सब को तीन नामों से पहचानेंगे इस पूरे प्रकरण में। कौन से तीन नामों को? एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक नो कर्म। इसके अलावा दुनिया में सच पूछो तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, मैं तो इस पूरे को, साइकिल को शायद याद है, अपना जो पहला शिविर लगा था, पहला माने मेरा पहला, आपका तो बहुत आगे का था, अटलांटा में नहीं, हाँ वहां पर जो उपयोग के प्रयोग वाली जो सेशन चले थे उसमें एक बात कही थी, वो साइकिल की, चक्र की बात कही थी। उसमें ये है कि आप इजीली समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि कर्मों के उदय से मुझे शरीर की प्राप्ति हुई है, क्योंकि जिन जिन को कर्म का उदय है उन उनके पास शरीर है, और जिन जिन को कर्म का उदय नहीं है उनके पास शरीर भी नहीं है, जैसे कि सिद्ध परमात्मा। तो कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति हुई है, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति हुई है, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण होता है, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और मोह राग द्वेष के उत्पन्न होने से कर्म बंधन होता है, और कर्म के बंधन होने से पुनः कर्म उदय में आता है, और कर्म के उदय में आने से
ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया है। कर्मोदय से शरीर आदि, शरीर आदि से इंद्रियां, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग्रस, और मोहराग्रस से कर्म बंधन। तो इस पूरी प्रक्रिया को तीन शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे कि कर्मोदय को हम कहेंगे द्रव्य कर्म का उदय, क्योंकि बिना द्रव्य कर्मों के उदय से शरीर आदि संभव ही नहीं है। और शरीर आदि को हमने क्या किया, कहा इंद्रियों को क्या कहा, नो कर्म, विषयों को क्या कहा, नो कर्म। तो द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म आदि, और नो कर्मों के संयोग से भाव कर्म, और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म। तो आप ये देखेंगे तो पूरी साइकिल में द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म। तो मुद्दा ये है यहाँ इस प्रकरण में, वहां कुछ अलग विषय था इसलिए अलग डायरेक्शन में गए थे, अभी जो अपनी गाथा है उस डायरेक्शन में अपन आते हैं। तो बंध अधिकार प्रारंभ करते ही आचार्य देव ने सबसे पहला प्रश्न ये उपस्थित किया है कि हमको तो ये बताओ कि ये बंध हुआ कैसे, बाकी सब जाने दो। इतना तो ख्याल में आ गया ना कि बंध है, हम और आप सब वर्तमान में भी असमान जाति पर्याय रूप से हैं। असमान जाति पर्याय रूप से है माने एक तो मैं माने आत्मा, और एक ये शरीर, ये पुद्गल, तो दो जाति के द्रव्य हो गए ना, एक जीव की जाति का और एक पुद्गल की जाति का, और इन दोनों को मिला दिया तो ये अवस्था बन गई। किसकी, पंडित विपिन जैन की, नितेश जैन की, जो जो भी नाम है अपने अपने लगा लेना। तो ये अवस्था जो है ये क्या है, ये मिली जुली गठबंधन सरकार है, ये अकेली बहुमत से नहीं है हमारी पार्टी कि हम चाहे कुछ निर्णय कर लें, हमारे आधे निर्णय सामने वाले के हैं, मैं सामने वाले मैंने शरीर के। और लिखा भी है कि आत्म परिणामों के निमित्त से शरीर में और शरीर के निमित्त से आत्मा में हलन चलन आदि क्रियाएं देखी जाती हैं, यह असमान जाति पर्याय है। इस स्थूल बात कर दी अपन ने शरीर की, और इस माध्यम से अनेक प्रकार के कर्म है, अनेक प्रकार का बंधन है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। अध्यात्म का ग्रंथ है, सारभूत बात करना पसंद करेंगे, तो आज पहले दिन पहली चर्चा इसी पर चलेगी। हमको तो ये बताओ आखिर बंध हुआ कैसे। तो यहां पर एक दृष्टांत दिया है, क्या दृष्टांत दिया है कि एक व्यक्ति तेल मर्दन करके माने तेल लगा कर धूल भरे स्थान पर गया, और वहां पर उसने शरीर आदि की चेष्टा द्वारा, मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा सचित्त अचित्त पदार्थों का घात किया, पेड़ तोड़े, ईंटें फोड़ी, टाइल फोड़ी, आजकल चलता ना ऐसे, सब काम किए उसने। और इतना सब करके जब वापस घर आया तो पूरे शरीर में धूल 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 हो गई। मुद्दा ये है धूल का बंध उसे कैसे हुआ, धूली बंध का कारण बताओ। तो सबसे स्थूल दृष्टि जिनकी होगी वे कहेंगे कि भैया इसमें पूछने वाली क्या बात है, क्यों भैया वो गया ही ऐसी जगह पे था जहां चारों तरफ धूल 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 थी। अब जहां चारों तरफ धूल होगी तो धूल बंधेगी नहीं क्या। तो आधे से ज्यादा लोग तो ये मानते हैं कि धूली बंध इसलिए हुआ था क्योंकि वह धूल भरे स्थान पर गया था। ये दृष्टांत समझना इसको। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं वहां जाने मात्र से कुछ नहीं था, वहां जाके इसने जो हाथ पांव चलाए, पैर ठोके, उससे धूल उड़ी, उससे और ज्यादा लग गई। तो बोले मन वचन काय की प्रवृत्ति की, इंद्रियों की प्रवृत्ति की, इसलिए उसको धूली बंद हो गया। नहीं नहीं बोले इससे भी कुछ नहीं है, उसने जो पेड़ तोड़े, उसने जो ईंटें फोड़ी, सचित्त अचित्त पदार्थों का घात किया, इससे धूली बंद हुआ है। आचार्य कहते हैं तुम परमार्थ से विचार करो, परमार्थ से चिंतन करो कि आखिर धूली बंद उसे क्यों हुआ है। तो हमारी कमजोरी क्या रह गई कि हम भूल गए जो धूली बंध का असली कारण था। क्या था असली कारण,
कि वो जो तेल मर्दन किया था वो असली कारण था। अब वो असली कारण गायब हो जाता है, सब बेचारे पहला आरोप तो धूल के ऊपर कर देते हैं, सोचते हैं ना धूल होती ना बंद होता, दूसरा आरोप लगा देते हैं उसके हलन चलन पर इतनी देर व्यायाम किया, तीसरा आरोप लगा देते हैं उसने सचित अचित पदार्थों का घात किया, और इनमें से सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं, एक की भी रंच मात्र गलती नहीं है। ये दृष्टांत में बात कही, सिद्धांत में बात यह है ऐसे ही एक आत्मा जिस क्षेत्र में रहती है, जिस जगह ये आत्मा है, वहां कर्म 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 के परमाणु बहुत हैं। इस पूरे लोक में कर्म के परमाणु ठसा ठस भरे। तो ज्यादातर लोग तो यही कहते थे हैं भैया ये लोक में चारों तरफ तो कर्म 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 है, तो कर्म है तो कर्म से बंध गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर्म है इसलिए नहीं बंध गया, उसने जो काय की चेष्टा, वचनों की चेष्टा, वाणी की चेष्टा, मन वचन काय की चेष्टा की है, ये जो इंद्रियों की उपस्थिति है इनके कारण से बढ़ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो ये जो जीवों का घात करते हैं, सचित अचित पदार्थों की हिंसा करते हैं इसलिए बंद होता है। आचार्य देव कहते हैं कि परमार्थ से विचार, आखिर बंध क्यों हुआ है। जोरदार गाथाएं हैं, मूलतः आप बंध अधिकार में पढ़ना उसका तो आपको ख्याल में आएगा। मैं तो सिर्फ यहां पर थोड़ा सा आपको इशारा करने के लिए जिस गाथा से बात उठाई है उस गाथा को पढ़ देते हैं, नहीं तो आप कहोगे 262 नंबर गाथा पढ़नी थी और फिर अपन पुनः उस पर चर्चा करेंगे। देखिए गाथा आपके सामने है, मैं पढ़ता हूं, ऐसी बात कहेंगे कि यदि आप इसको गहराई तक चले जाएं तो आपके पैरों तले जमीन खिसकेगी। क्या कह रहे हैं देखो, अझव सिदेण बंधो सत्ते मारेऊ माव मारेऊ एसो बंध समासो जीवाणम निक्षणयस्। सबसे पहले पद में सारभूत बात कह दी। क्या सारभूत बात कह दी? अध्यव सिदेण बंधो, अध्यवसान के द्वारा बंद हुआ है। सुनो आगे क्या कह रहे हैं, सत्ते मारेऊ माव मारेऊ, चाहे आप जीवों को मारो चाहे मत मारो, बंध तो अध्यवसान से हुआ है, जीवों के मारने या नहीं मारने से बंध नहीं हुआ है। ये सो बंध समासो, ये बंध का संक्षेप है, ये बंध का समास है, ये बंध को हम शॉर्टकट में कह सकते हैं जीवाणम निक्षणयस्य, के जीवों के जो बंध होता है उस बंध का सार संक्षेप यही है कि जगत में जो बंध की बातें चलती हैं जीवों को मारने से और बचाने से नहीं मारने से बंध का कोई लेना देना नहीं है। बोलो कितनी अलग टाइप की बात है, मैं कठोर क्यों कहूँ, मैं तो मीठी कहूंगा, दिव्य ध्वनि की वाणी हूँ, कठोर उनको लगे जिनने नहीं सुनी हो, पैरों तले जमीन उनके खिसके। वाक्य समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, जीवों के मारने नहीं मारने, जीवों के मरने नहीं मरने से बंध नहीं है, बंध का कारण कोई तीसरा ही है, तो हमारी सुई वहीं अटकी रहती है, सिर्फ इतना सा मरा के नहीं मरा, मरा के नहीं मरा। यहाँ कहते हैं कि मरने और नहीं मरने से बंध का कोई संबंध ही नहीं है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं कहां पर, व्यायामशाला में। अभी व्यायाम कर रहे थे ना अपन, थोड़ी सी व्यायाम और करते हैं। देखो समय ऐसा, बंद अधिकार जहां प्रारंभ हुआ, मैं प्राकृत पढ़ूं और फिर प्राकृत का अर्थ करूं तो समय लगेगा, हम सीधा हिंदी का पढ़, मैं यहां से हिंदी पढ़ता हूं आप साथ में पढ़ना, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस विषय पर अपन चर्चा करना चाहते हैं।
जो तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुल स्थान में व्यायाम करता शास्त्र से बहु विधि बहुत उत्साह से तरु ताड़ कदली बांस आदिक वनस्पति छेदन करे सचेत और अचेत द्रव्यों का बहुत भेदन करे बहु विधि बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को परमार्थ से चिंतन करो रज बंध किस कारण हुआ। तो जवाब देते हैं चिकनाई ही रज बंध का कारण कहा जिन राज ने पर काय चेष्टा दिक नहीं यह जान लो परमार्थ से बहु भांति चेष्टा रत तथा रागादि को करते हुए सब कर्म रज से लिप्त होते हैं जगत में अज्ञजन। मूल गाथाओं में ये पूरी बात बताई गई है, ये हिंट देने के लिए मैंने आपको पढ़ दी, आप उसका मूल से पढ़ना तो हम उससे समझ सकते हैं कि वास्तव में जो बंध हुआ है उसका हम जिससे बंध समझ रहे हैं कोई लेना देना नहीं। किस किस से कोई लेना देना नहीं है? सबसे पहले नंबर के हेतु का निषेध किया, चूंकि इस पूरे विश्व में कर्म परमाणु ठसाठस भरे हैं इसलिए बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान के आसपास भी बहुत कर्म के परमाणु हैं। वो भाई अलोकाकाश में थोड़ी है, वो है तो लोकाकाश में ही ना, और तो जो लोकाकाश में है तो वहां तो कर्म के परमाणु हैं, लेकिन सिद्धों को तो बंद नहीं होता। मोक्ष मार्गियों को तो तत् जाति का बंद नहीं होता है, सम्यक दृष्टियों को तो अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध नहीं होता। कर्म तो उपस्थित है ना लोक में, कर्म कहाँ चलेगा, कर्म तो वहां के वही है। तो कर्मों की सत्ता होने से मुझे बंध होता है ऐसा नहीं है, इसलिए कर्मों से मुफ्त की डरने की आवश्यकता नहीं है। बिना बात के भूत जैसे कर्म कर्म कर्म, और फिर वो कर्म हंसावे कर्म रुलावे, कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरित है। अब आप कर्मों से तो निडर हो जाओ, चूंकि कर्म है इसलिए वे आपको बंध जाएंगे ऐसा नहीं है। भाई साहब बहुत इज्जतदार है वो, हमारे जैसे नहीं है, बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाए। आज तक पूरे विश्व में एक जीव को एक कर्म भी ऐसा नहीं बंधा है कि जीव ने डिमांड ना की और बंध गया हो। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? अपने आप होके कर्म नहीं बनते हैं, हमने डिमांड की होगी कुछ हेतु, और वो हेतु क्या है वो यहाँ चर्चा चल रही है। उस हेतु को हम पकड़ लेंगे तो हमारा काम हो सकता है, हेतु यदि हमारी पकड़ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हम किसी को भी कारण मान लेंगे। जैसे अशिक्षा के कारण अंधविश्वास बहुत फैलता है ना, पहले बीमारियां आती थी या इस तरह की अनहोनी घटना अचानक से कुछ होने लग जाता था तो आधे से ज्यादा लोग एक अंधविश्वास क्रिएट करते थे कि भाई ये ऊपर वाले की शक्तियां हैं, अथवा कोई भूत प्रेत है, अथवा कोई और है। जैसे यहाँ चिकन पॉक्स होते थे इंडिया में, तो उसका नाम ही लोगों ने रख दिया था क्या, शीतला। वो शीतला देवी है, वो नाराज हो गई है, इसलिए वो आपको ये शरीर में ये विकृति पैदा हो गई। मृगी आती थी, उसको रख दिया था ये ऊपरी हवा है। तो कई बीमारियों को हमारी समझ में नहीं आया ना ये कैसे हो रहे हैं, तो हमने कुछ ना कुछ उसको भूत प्रेत अंधविश्वास से जोड़ दिया। ये अशिक्षा का यही समझो कमाल है, वो तो भला हो विज्ञान का और मीडिया का इतना विकसित है, नहीं तो कोरोना का भी कोई ना कोई ना कोरोना देवी ही बना देते, कोरोना देवी के मंदिर बना देते, फिर वहां अगरबत्ती लगा तो कोरोना चला जाएगा ऐसा बोलने लगते, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये सब बात आपसे क्यों कह रहा हूं कि जैसे जगत के जीव उन क्षेत्रों में अंधविश्वास फैलाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग धार्मिक लोग धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास फैलाते अशिक्षा के कारण से, जानबूझ के नहीं, अशिक्षा, हमें पता ही नहीं है कि भाई कर्म बंधन का कारण कौन है, तो हम छूटते ही बोलते हैं कर्म है कर्म बंधन के कारण। या तो मना किया, नहीं कर्म कर्म बंधन के कारण नहीं है, तो फिर मन वचन काय की प्रवृत्ति कर्म बंधन के कारण होगा,
नहीं, मन वचन काय की प्रवृत्ति से भी कर्म नहीं बनते हैं। भगवान की चार चार टाइम पानी खिरती रहती है, वचनों की प्रवृत्ति होती रहती है, तो उन्हें कर्म बनते हैं क्या? तो बोले इंद्रियों से कर्म बनते होंगे, पांच पांच इंद्रियां हैं। नहीं मुनराज, बैठे रहते हैं ध्यान में, पांचों इंद्रियां हैं, इंद्रियों से थोड़ी कर्म बनते हैं। पॉइंट समझना। तो आपको अंततो गत्वा उस तक पहुंचना पड़ेगा जिसकी वजह से कर्म बनते हैं। तो दृष्टांत में तो हम पहुंच गए कि वो चिकनाई है वह बंध का असली कारण है। और यहां भी सिद्धांत में शब्दों में हम पहुंच गए कि राग आदि जो भाव हैं वे वास्तव में बंध के कारण हैं। लेकिन हमें इस बंध अधिकार में खोजना है कौन सा भाव बंध का कारण है, ऐसा कौन सा थॉट है, ऐसा कौन सा विचार है जो हमें बंध करा देता है। उस विचार को यदि हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हम इस बंध से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो उसकी चर्चा यहां है। और 262 नंबर में आते आते उन्होंने उस अज्ञान को, उन्होंने उस मिथ्या मान्यता को, उन्होंने उस विकार को एक नाम दे दिया है, और वह नाम है अध्यवसान। आप लिख सकते हो अपने, वो गाथा का पहले ही शब्द है अध्यवसान। सबका, किसका नाम है अध्यवसान? जिसकी वजह से बंद हो रहा है, जिसकी वजह से कर्म बंधे हैं, जिसकी वजह से मैं संसार में घूम रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे संसार चक्र का एक के बाद एक के बाद एक के बाद चक्कर लगाना पड़ रहा है। यानी इन सब का एक हेतु यदि कोई है तो वो अध्यवसान है। अभी अध्यवसान क्या बीमारी है, अब अध्यवसान क्या चीज है वो समझ लो आप। देखो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कर्म सिद्धांत की क्या व्यवस्था है। मोटी 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 व्यवस्था हमको इतना पता है कि इस विश्व में जितने भी जीव हैं और उन जीवों को जितना भी सुख दुख हानि लाभ जो कुछ भी है वो सब अपने अपने कर्म के उदय से है। इतना सिद्धांत तो हम समझते हैं, समझते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। समझते हैं माने सुनने में तो कह देते हैं हाँ हाँ बात सही है बात सही है। यदि आप इतनी सी भी लाइन का श्रद्धान कर लेना तो आपको अध्यवसान नहीं होगा। अध्यवसान है ही इसलिए क्योंकि हम ये बात मानते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि मुझे सुख, मेरा सुख दुख हानि लाभ दूसरों की वजह से है और दूसरों का सुख दुख हानि लाभ मेरी वजह से है। हम तो दो द्रव्यों को एक दूसरे की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। इसका नाम है अध्यवसान। देखो इसके बहुत पहलू हो सकते हैं और 5 सेशन में अपन समझने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप तो यही है कि आप कर्म सिद्धांत के प्रति सकारात्मक हो जाएं और ये समझ लें ये विश्व की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यवस्था तो पलट नहीं जाएगी, वो तो बनी रहेगी, हम संसार में घूमते रहेंगे। और इस व्यवस्था को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं, बस अपने को मानसिक स्तर से तैयार होना है। हम जगत में घटनाएं देखते हैं, जीवन देखते हैं, मरण देखते हैं, सुख दुख देखते हैं, हानि लाभ देखते हैं, रोग देखते हैं, 100 तरह की समस्याएं देखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं उन समस्याओं का ठीकरा, ठीकरा समझते हो, उन समस्याओं का कारण किसी ना किसी को घोषित कर देते हैं। हम बहुत स्पीड में हैं इस मामले में, हम गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। तुरंत आधे से ज्यादा लोग तो आपको बोलते हुए सब ऊपर वाले का कमाल है। अब ऊपर वाला बैठ के सोच रहा है कि भैया मैंने क्या किया। आप समझे ना, उसको कुछ अता पता भी नहीं है, लेकिन हमको चूंकि नहीं पता है तो फिर हमने वो सारी जिम्मेदारियां उसको दे दी जो वो लेने को तैयार नहीं है। अधिकांश धर्मों ने अपने अपने भगवान को सारा ठेका दे दिया। भगवान कहते हैं कि भैया मेरे सर पर क्यों मढ़ रहे हो सारी चीजें, हमने जबरदस्ती सौंप दिया, फिर बाद में उलझ जाते हैं। तो उसके लिए एक सबसे सुव्यवस्थित व्यवस्था है, उसका नाम है कर्म सिद्धांत। इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें करप्शन नहीं है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, इसमें कंप्लेंट विभाग नहीं है। क्या कहा,
इसमें कंप्लेंट विभाग नहीं, कंप्लेंट विभाग वहां होता है जहां कुछ प्रॉब्लम हो, जहां कुछ एरर आ सकते हो, वहां कंप्लेंट विभाग होता है। कर्म व्यवस्था में कभी एरर आता ही नहीं है, इसलिए शिकायत लेके आप भगवान महावीर के पास नहीं जा सकते हो कि फलाने कर्म ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मैं आपको हमेशा दृष्टांत देता हूँ, जैसे हम भारत में घूमते हैं, अब तो यहाँ भी सब आपकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी मुश्किल कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, हेलमेट नहीं है तो बोले 50 रुपए खुले दे दो, 100 रुपए खुले दे दो, हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है रोकने वाला कोई मनुष्य होगा, हम उसे रोएंगे गाएंगे अथवा उसे 150 रुपए का लालच दिखाएंगे और हमारे 500 बच जाएंगे। अब क्या किया, अब वो कैमरे लगा दिए, एक आ से घूम के आ गया होगा, देख के आ गया होगा, उसने यहाँ ठुकवा दी, चौराहे चौराहे पे कैमरे लग गए। अब क्या हो रहा है, अब मैं जब भी गाड़ी ले जाता हूँ और कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई मुझसे बहस करने वाला नहीं है, कोई गाली गलौज करने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी हर महीने मेरी जेब खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं वहां से बिना हेलमेट के निकलता हूँ, फोटो खींचता है, उसका टिकट घर पे आ जाता है और बिल भरना पड़ता है। बोलो ये व्यवस्था अच्छी थी या पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी? अज्ञानियों को, मूर्खों को, जल्दबाजी वालों को पहले वाली अच्छी लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ज्यादा अच्छी है। इसमें आपका समय बचेगा, बहस बचेगी, लड़ाई झगड़े बचेंगे, भ्रष्टाचार बचेगा, करप्शन बचेगा, आपके पैसे का उपयोग होगा, गवर्नमेंट के सीधे खाते में जाएगा, उसे और 2 कैमरा लग जाएंगे। आप समझे ना, तो वो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि हमने नहीं सुनी नहीं समझी तो वो व्यवस्था हमारे लिए आफत हो गई है। यहाँ तो कई लोग कैमरे निकाल के ले गए, बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, फिर बाद में वो पकड़ा गया क्योंकि उसका भी फोटो आ गया कैमरा निकालते हुए। तो कर्म सिद्धांत इतना खतरनाक है कि हम दुनिया के लोगों से बच के पाप कर सकते हैं, हम दुनिया से छिपके छल कपट मायाचारी लोभादि कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की सूक्ष्म दृष्टि से हम नहीं बच सकते। और उसकी सबसे बढ़िया चीज ये लगती है मुझे कि एक का बांधा हुआ कर्म दूसरे को उदय में नहीं आता है और दूसरे को बांधा हुआ कर्म तीसरे को उदय में नहीं आता है। इसलिए सब निर्भय होके जीवन जियो कि सामने वाले के परिणामों का फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा और मेरे परिणामों का फल सामने वालों को नहीं भोगना पड़ेगा। गुरुदेव श्री कहते पोपाबाई का राज नहीं है कि कोई कुछ भी करे, यहाँ वस्तु की व्यवस्था का स्वतंत्रता का शंख नाद बजता है, कोई इंटरफेयर नहीं है। मूलाचार की मूल गाथाओं में लिखा है एक को करे ही कम्मम एक को हिंडदीह संसार, एक ही कर्म करता है और एक ही दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बोलो ये कितनी सुंदर बनी बनाई व्यवस्था है, बस मेरा श्रद्धान इसे स्वीकार कर ले तो मेरे जीवन की सारी शिकायतें पानी हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। मेरा जो माथा गर्म हो रहा था कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसने मेरे साथ भला किया है, इसने मेरे साथ चीटिंग की है, इसने मेरे साथ धोखा दिया है, ये मेरे साथ छल करता है, इसने मेरा धन छीन लिया है, ये मेरी नौकरी खा गया है, इसने मेरा व्यापार छुड़ा लिया है, बोलो बोलो जवाब दो, किसी का कोई दोष नहीं है, स्वकीय कर्मोदयान, स्वयं के ही कर्म के उदय से। लेकिन अपन तो अध्यवसान की चर्चा चल रहे थे ना, ये आप क्या सुनाने लग गए? मूल गाथा में तो प्रकरण अध्यवसान का था ना, कि भाई अध्यवसान से बंध होता है, प्राणी के मरने नहीं मरने से बंध नहीं होता है, तो आप तो अध्यवसान बताओ ना। कि हमने बता दिया, क्या बता दिया, कि इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना और किसी को किसी का कर्ता मानना, कोई पुरुष किसी दूसरे को मारता है, कोई पुरुष किसी दूसरे को बचाता है, कोई पुरुष किसी दूसरे को सुखी दुखी करता है, कोई पुरुष किसी दूसरे को हानि लाभ पहुंचाता है, इस मान्यता का नाम ही अध्यवसान है और वो अध्यवसान बंध का कारण है। उसकी वजह से हम संसार में परिक्रमण कर रहे हैं कि वो प्राणी मरा के नहीं मरा के भूल जाओ, उसको कुछ नहीं होने जाने वाला। हम बहुत दिमाग से कमजोर हो गए हैं, हम तो पता है चींटी के ऊपर पैर रख दे मैं, पैर उसके ऊपर रख दे मैं चप्पल, और उसके बाद एकदम दिमाग में बत्ती जले, अरे यार ऐसा लग रहा है मुझे नीचे कीड़ा था,
हम पता क्या करते हैं, पैर हटा के देखते हैं, अगर वो जिंदा होगा ना अपनी पीठ ठोकते हैं खुद ही, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो वो जिंदा है तो आपको पाप नहीं लगेगा, मर जाता तो पाप लगता। भाई साहब वो मरे या जिंदा रहे वो तो उसके आयु कर्म के खाते में है, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना पैर रख के, तो तुम्हें तो बंद हो गया। नहीं साहब वो जिंदा है, वो बोले वो अपनी आयु कर्म से जिंदा है, तुम्हारी कृपा से जिंदा नहीं है। जैसे आपने गोली चलाई और उसी समय मैं बैठ गया और गोली सीधी निकल गई, बोलो आपको बंद होगा कि नहीं होगा? मैं तो नहीं मरा, मैं तो नहीं मरा। तुम मरो या नहीं मरो, तुम तो आयु क्रम से मरोगे ना, तुम्हारी गोली से कहां मरने वाले हो? अध्यवसान किस चिड़िया का नाम है? आज अपन ने उसके थोड़ा सा उद्घाटन किया है, अब अपनी इन डिटेल चर्चा चलने वाली है। और विश्वास दिलाता हूं यदि आपने इस अध्यवसान के स्वरूप को, कारण को, परिचय को, कर्म सिद्धांत की व्यवस्था को और चैतन्य की स्वरूप को समझ लिया, गारंटी है आपके मन में भी कुछ आकुलता उत्पन्न हो रही होगी तो कह नहीं पाओगे, खुद ही समाधान कर लोगे अब ठीक है अब क्या करें, क्यों नो कंप्लेंट जोन में आ जाओगे आप, वहां कंप्लेंट का कोई काम ही नहीं है। और उसका क्या स्वरूप है, अध्यवसान की विस्तृत चर्चा इन 3-4-5 गाथाओं में की है, मोक्ष दशा तक ये चर्चा की है, 5 पांडव आदि ध्यान करते हैं, दुर्योधन के जो भांजे होते हैं वो अध्यवसान करते हैं, उनको बंध मोक्ष अपने सराग वितराग परिणाम से है, इस तरह की सारी चर्चाएं इस आगामी इस विषय में आएंगी। आगे का अपना समय हो गया है, बहुत बढ़िया विपिन जी, कर्म का स्वरूप इतनी अच्छी तरह से सरल ढंग से जो समझाया। अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है, अभी आज तो शुरुआत हुई है, सभी जुड़े रहे शुरू से अंत तक। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपना ये समय सार समझने का, समय सार को हृदयंगम करने का जो हमने कोशिश करते आए हैं वो जरूर पूर्ण होगी।